महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर पार्टी कही जाने वाली शिवसेना दो धड़ों में बट चुकी है। असली बनाम नकली शिवसेना की जंग में उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे भारी पड़ रहे हैं। कैसे, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्या बल के आधार पर देखें, विधायकों और सांसदों के समर्थन के लिहाज से देखें तो एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सरकार भी बना ली है, लेकिन कैसे उद्धव ठाकरे एक बार फिर वापसी कर रहे हैं और संगठन में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, गुरु के घर में कैसे मुकाबला करेंगे एकनाथ शिंदे। शिंदे के गढ़ में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी चाल चली है, वो हम आपको बताते हैं। उद्धव ने शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को पार्टी की ठाणे जिला इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है। उद्धव ने यह फैसला उस समय लिया था जब नरेश मास्के ने शिंदे के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते शिवसेना की ठाणे जिला इकाई के अध्यक्ष का पद खाली था। ऐसे में उद्धव ने केदार दिघे को जिले की कमान सौंपकर आनंद दिघे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने और शिंदे की सियासत को काउंटर करने का दांव चला था। उद्धव ने आनंद दिघे की करीबी सहयोगी और सेना की महिला इकाई की अगुवाई करने वाली अनीता बिरजे को ठाणे का उपनेता बनाया था। ठाणे जिले में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के जाने से होने वाली कमी की भरपाई करने की कोशिशों के तौर पर इसे देखा। मुंबई से सटे ठाणे जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एकनाथ शिंदे की गिनती होती है। उनकी सियासत भी यहीं सिमटी हुई थी या यहाँ के वो बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते थे। मुंबई ठाणे आसपास ही हैं, ठाणे की सियासत मुंबई की सियासत को प्रभावित करती है, मुंबई की सियासत महाराष्ट्र की सियासत को प्रभावित करती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का कद बढ़ गया था। ये सियासत उनको कहाँ से मिली थी? आनंद दिघे, धर्मवीर, आपने सुना होगा, फिल्म भी बनी थी, बार बार एकनाथ शिंदे भी उनका जिक्र करते रहते हैं। आनंद दिघे की छत्र छाया में ही आगे बढ़े थे एकनाथ शिंदे, उनकी उंगली पकड़कर ही उन्होंने धीरे धीरे पार्षद से लेकर मंत्री पद तक वो पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अब वो बन गए। हालांकि आनंद दिघे अब है नहीं, लेकिन आनंद दिघे को वो आज भी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था आनंद दिघे को, उन्हीं के भतीजे को उद्धव ठाकरे ने जिला इकाई का अध्यक्ष बना दिया और ये एक बड़ा दांव माना जा रहा है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि जैसे एकनाथ शिंदे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन पर कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़ने में उद्धव ठाकरे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे यात्राएं निकाल रहे हैं, उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वो पार्टी पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि शिवसेना विवाद में चुनाव चिन्ह पर फिलहाल फैसला चुनाव आयोग नहीं करेगा। दरअसल शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे खेमे को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव चिन्ह को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि इस मामले में वो फिलहाल कोई फैसला न ले। अब सभी पक्ष चुनाव आयोग में हलफनामा दायर कर सकते हैं। 8 अगस्त को चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 8 अगस्त को ही करने वाला है। क्या मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को विचार करेगा। उद्धव ठाकरे अब भी बचा ले जाएंगे शिवसेना, ये एक सवाल तो है, साथ ही साथ में ये एक बड़ी बात है जो दिखाई पड़ रही है। एकनाथ शिंदे की मजबूरी समझिए, बेशक वो मुख्यमंत्री बन गए, इसमें सबसे ज्यादा मदद उनको बीजेपी की मिली है। शिवसेना बीजेपी के भरोसे नहीं चली, शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम पर चलती है, ठाकरे परिवार से चलती है, मातोश्री से चलती है। और जब हमने कई पोल्स किए तो अब हम देख रहे हैं कि लोगों ने जब सरकार बदली थी तो कई समर्थक थे, उनको लगता था कि एकनाथ शिंदे उस विरासत को बचा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो सिंपैथी गेन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो ये बताता है कि अब लोगों के जहन में ये बात बैठने लगी है कि शिवसेना क्या होगी बिना उद्धव ठाकरे या बिना ठाकरे परिवार के। राज ठाकरे का एक्टिव न होना या राज ठाकरे का अभी तक दावेदारी न ठोकना, शिंदे और ठाकरे की नज़दीकियां बहुत स्पष्ट न दिखना या बीजेपी का राज ठाकरे को मनाने के प्रयासों में बहुत सफल न हो पाना, ये कुछ ऐसे इशारे हैं जो बताते हैं कि राज ठाकरे को या फिर निहार ठाकरे, स्मिता ठाकरे, आप देख रहे हैं शिंदे क्यों मुलाकात कर रहे हैं ठाकरे परिवार के लोगों से। ठाकरे परिवार बड़ा ज़रूरी है शिवसेना को अपने पास रखने के लिए, और उसके प्रमुख के तौर पर किसको रखा जाए? कोई उस कद का आदमी होना चाहिए जो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के नज़दीक दिखता हो या उनके बराबर का। कौन? राज ठाकरे। राज ठाकरे के बात मान लेंगे एकनाथ शिंदे की? और क्या एकनाथ शिंदे के वश में है कि वो राज ठाकरे को मनाकर शिवसेना में ले आए? बहरहाल ये तो आगे की बात है और आने वाले दिनों में इस रणनीति पर कितना काम होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल राज ठाकरे इस
सारी राजनीति से दूर दिखाई दे रहे हैं। अंदर खाने जो बातचीत चल रही है वो अलग है, लेकिन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में, न वो इस तरफ है न वो इस तरफ है। शिंदे और फडणवीस को सरकार बनाए एक महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, इस पर पेंच फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह से मौजूदा सरकार के विधायकों में बेचैनी बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है। ये भी साफ हो रहा है कि कोई तो बड़ी वजह होगी, और बड़ी वजह क्या है, बहुत स्पष्ट है, खींचतान है आपस में, किसको देना है किसको नहीं देना है, कितनी सीटें किसको मिलेंगी नहीं मिलेंगी। खींचतान तो पहले ही शुरू हो गई थी मुख्यमंत्री के बाद, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे तभी से परेशानियां शुरू हो गई थी। चंद्रकांत पाटिल के बयान ने और आग में घी का काम कर दिया। अब तक किसी विधायक की ओर से किसी तरह के संकेत नहीं दिए गए हैं। ऐसे में शिंदे फडणवीस सरकार के सामने बड़ा सवाल ये है कि पदों का बंटवारा कैसे किया जाए, उन लोगों को नाराज़ होने से कैसे रोका जाए जो पद हासिल करने से वंचित रह जाएंगे। इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया इतनी लंबी खिंच रही है। इसके साथ ही अंतिम सहमति दिल्ली से आनी है, जिसकी वजह से शिंदे बार बार दिल्ली आ रहे थे, फिर वो जब फडणवीस आए हैं तो शिंदे बीमार हो गए। माना ही जा रहा था कि बन गया है, फॉर्मूला निकल आया है, अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन फिर से पेच फंस गया क्योंकि संजय राउत का मामला गर्मा गया, शिवसेना का मामला क्लियर नहीं हुआ, किसकी होगी किसकी नहीं होगी, 8 तारीख को स्पष्ट होगा। आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे कमज़ोर पड़ते हैं तो ये भी मानकर चलिए कि सरकार भी कमज़ोर पड़ेगी। बीजेपी और शिंदे अभी भी मंत्री पदों और उनकी संख्या पर बात कर रहे हैं, और कितनी बार ये बात होगी, कई बार फॉर्मूला निकालने की बात कही गई है, अंतिम सहमति की बात कही गई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल के आता है। शिंदे गुट के विधायकों की बेचैनी उद्धव ठाकरे के गुट को फायदा पहुंचा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायकों की बेचैनी उद्धव ठाकरे को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। खबरों में सामने आया कि बागी विधायक जब गुवाहाटी में ही थे तभी उनमें 2 फाड़ हो गए थे, लेकिन उद्धव सरकार गिराने और नई सरकार के गठन के लिए ये बागी विधायक राज्य में वापस लौट आए। एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे भी हमलावर हैं, वो लगातार उन पर निशाने साध रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने उनको गद्दार कहा है, पीठ में छुरा भोंकने वाला कहा है, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, बाला साहब के साथ विश्वासघात की बात कह रहे हैं, बाला साहब का सपना पूरा करने के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे, ये सारी बातें कह रहे हैं। तो ये इमोशनल कार्ड जो है ये चलता भी दिखाई दे रहा है, और एकनाथ शिंदे की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। परेशानियाँ कैसे बढ़ रही हैं, एकनाथ शिंदे के साथ में जो विधायक हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार के इंतज़ार में है। बागी गुट अभी बागी गुट है, उनका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता है, फटकार भी लग रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भाई कपिल सिब्बल की दलीलों को सुने, उन्होंने कहा आप गुवाहाटी चले जाते हैं उठ के और आप अपने आप को राजनीतिक दल कहते हैं, कैसे आप राजनीतिक दल हो गए। और ये सवाल बड़ा गंभीर सवाल है कि अगर सारे विधायक पार्टी से टूटकर अलग हो गए हैं तो फिर या तो फिर पार्टी बदलने या दल बदल कानून जो है वो उन पर लागू होगा, आप पार्टी पर दावेदारी कैसे ठोक देंगे अलग जाकर, और वो भी आप घूमते घूमते कि गुवाहाटी जा रहे हैं गोवा जा रहे हैं और वहाँ से ये दावेदारी ठोक रहे हैं, ये परेशानी का सबब है। अब जितने भी विधायक हैं जो भी नेता हैं उनका भविष्य क्या होगा राजनीति, वो किस तरफ देखेंगे, वो उस तरफ देखेंगे जहां पर असली शिवसेना होगी। उद्धव ठाकरे यदि शिवसेना को बचा लेते हैं तो इन सभी का दोबारा शिवसेना में जाना कोई टेढ़ी की, ये तो शिवसेना में है ही, कोई भी शिवसेना से निकला नहीं है, सब अयोग्यता की बातें चल रही हैं, लेटर्स दोनों गुट की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कायदे से देखा जाए तो टेक्निकली अभी सब शिवसेना में ही है। शिवसेना किसकी है और कौन शिवसेना को चलाएगा, ये महत्व की बात है। बहुत सारे समीकरण आने वाले दिनों में बन सकते हैं। एक बात तय है, महाराष्ट्र की सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ ले रही है। इस दिलचस्प मोड़ में एक तरफ कुछ दिन पहले तक एकनाथ शिंदे मजबूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अब जबरदस्त वापसी करते दिखाई दे रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।